तो सात्विक स्टोर सात्विक मिशन चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे जो शिलाजीत ऑर्डर कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से खाना होता है, और इसका जवाब देने के लिए आज हम वैद्य जी के पास आए हैं। आज एक और हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस बीच हम इनसे पूछ लेंगे कि शिलाजीत का आयुर्वेद में किस तरीके का जिक्र किया गया है। ये पैकेट आप के पास आता है, मैं इसको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में कैसे दिया हुआ है, कब खानी होती है, किसके साथ खानी होती है। आज हमारे साथ है वैद्य जी। वैद्य पिछले 85 से लगभग ये काम कर रहे हैं आयुर्वेद में और जड़ी बूटियों का, और ये आपकी पीढ़ी में चौथे आप वैद्य हैं। इनके पिताजी, इनके दादाजी वैद्य का ही काम करते थे, आयुर्वेद का इन्होंने काफ़ी स्टडी करी हुई है। इनके साथ मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे शिलाजीत को यूज़ किया जा सकता है, दिन में कितनी बार खाते हैं, किस चीज़ के साथ खाया जाता है। तो वैद्य जी आप हमें बताइए, शिलाजीत का जो आयुर्वेद में उपयोग बताया गया है किस तरीके से बताया गया है। शिलाजीत खाने का तीन वो है प्रकृति के हिसाब से। वात प्रकृति वाले को गुनगुने दूध के साथ खानी है, पित्त प्रकृति वाले को शहद के साथ खानी है, और कफ प्रकृति वाले को भी शहद के साथ खानी है। और मात्रा 1 ग्राम, आधा ग्राम से 1 ग्राम सुबह खाली पेट, इससे कम से कम 25 से 30 प्रकार की जो शारीरिक बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। पुरुषों की जो नपुंसकता होती है वो 100% ठीक हो जाती है। राइट। और इसको पानी के साथ, गर्म पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं आप? वो तो चाय के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, किसी के भी साथ उबाल के पी सकते हैं। इसका उसका शरीर में उसका सही प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, तो जिसको कमजोरी ज़्यादा है, जो जिम करता है, वो दिन में 2 बार भी ले सकता है, सुबह और शाम? हाँ, पर दिन में 2 बार ले सकता है, पर वो शहद के साथ ले सकते हैं। अच्छा, और खाना खाने से आधे घंटे का फर्क होना चाहिए? 1 घंटा पहले खाली पेट लेना चाहिए।